हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस, जिसे लिखा है मार्गो मिंको ने। देखिए बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में, यानी कि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इमोशनल भी है, इमोशनल फील होगा आपको एंडिंग में थोड़ा सा, और हाँ मजा आएगा। तो चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज वीडियो को लाइक कर दो, नहीं वीडियो को लाइक बाद में करना, बट हाँ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आने वाला है। और नहीं आया तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए वीडियो का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ कि इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं और चारों के चारों लड़कियां हैं। इस स्टोरी में एक भी लड़के का रोल नहीं है, ठीक है, कोई भी लड़के का रोल नहीं है। सबसे पहली ऑथर है, जो कि इस स्टोरी में बेटी का रोल की है, डॉटर का रोल की है। सेकेंड ऑथर की मॉम है। थर्ड एक लेडी है जो कि ऑथर की मॉम की फ्रेंड टाइप की है, और उस लेडी का नाम है मिसेस डॉर्लिंग। और चौथी वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है जो कि 15 साल की है। बस इतने ही कैरेक्टर्स हैं और इन्हीं के बारे में, इन्हीं के अराउंड पूरा स्टोरी घुमा है। तो चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं बिना आपके टाइम। तो सबसे पहले हमारा जो ये चैप्टर है, यानी कि ये जो स्टोरी है द एड्रेस, इसे लिखा है मार्गो मिंको ने। तो पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देता हूँ। तो देखो क्या है, इसमें एक औरत है जो कि अपना सारा सामान, अपना घर का सारा सामान दूसरी औरत को दे देती है, और अपनी बेटी को ये कहती है कि इनका एड्रेस याद रखो, क्योंकि बाद में हमें वापस अपना सामान लेने जाना है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि वो भला अपना सामान दूसरी लेडी को क्यों दे रही है। वो ऐसा इसलिए करती है कि वो, क्योंकि वो लोग हॉलैंड में रहते हैं, और हॉलैंड में उस समय क्या चल रहा है, वार, यानी कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, और उनकी मॉम नहीं चाहती कि कोई उनके घर में आके सब कुछ तोड़ फोड़ दे, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाए। इसलिए वो अपना सारा कीमती सामान और जो भी इम्पोर्टेंट सामान है वो दूसरी लेडी को दे देती है, और अपनी बेटी को कहती है कि उनका एड्रेस याद रखे, ताकि अगर उन्हें कुछ हो भी जाता है फ्यूचर में उनकी मॉम को इस वार के दौरान, तो उनकी बेटी जाके अपना सारा सामान वापस ला सके। फिर क्या होता है, उनकी जो बेटी होती है उनके घर जाती है, पर वो सारा सामान वहाँ पे देखती भी है पर उसे वापस नहीं लाती है। तो हम स्टोरी में यही जानेंगे कि उनकी बेटी जब उनके घर गई अपना सामान वापस मांगने, तो वो फिर वापस उसे अपना घर, सारे सामान को अपना घर वापस क्यों नहीं लाई, हमें यही जानना है स्टोरी में। तो चलिए डीपली स्टोरी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारा स्टोरी कुछ ऐसे शुरू हो रहा है, वो जो लड़की थी यानी कि वो जो बेटी थी, वो कई सालों बाद वापस हॉलैंड जाती है मिसेस डॉर्लिंग के घर में अपना सारा सामान वापस लेने, और वो गेट को नॉक करती है। वो जैसे गेट को नॉक करती है, अंदर से एक लेडी निकल के आती है, और फिर वो लड़की यानी कि वो जो बेटी होती है, डॉटर, वो बोलती है उन्हें कि क्या आप मुझे अभी तक जानते हो। तो पहले तो वो वुमेन उसे अजीब तरह से घूरती है, ध्यान से सोचती है, देखती है, और उसके बाद वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। फिर वो रिप्लाई करती है, वो लड़की यानी कि वो जो, मतलब उनकी जो बेटी थी, वो जो बेटी थी यानी कि वो जो डॉटर थी, वो रिप्लाई करती है और कहती है आई एम मिसेस एस डॉटर, यानी कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। ये सुनकर मिसेस डॉर्लिंग तुरंत अपने गेट को, मेन गेट को हाथ में, मतलब हाथ से रोकती है ताकि वो पूरा नहीं खुले, और बस उस लड़की को और घूरने लगती है, एकदम चुपचाप बस उस लड़की को घूरे जा रही थी। और फिर ये सब देखकर वो जो ऑथर है यानी कि वो जो बेटी है, उन्हें अंदर से बहुत अजीब फील होता है, उन्हें लगता है कि हो सकता है वो कोई गलत एड्रेस में आ गई हो, क्योंकि उन्होंने आज तक मिसेस डॉर्लिंग को बस एक ही बार देखा है, तो हो सकता है उनसे कुछ गलती हो गई होगी और वो कोई गलत एड्रेस में पहुंच गई होगी। पर तभी वो जो वोमेन होती है वो गेट खोलकर हल्का सा बाहर आती है, और वो जैसे ही वो वोमेन बाहर आती है, वो जो ऑथर है उनका ध्यान उनके ग्रीन कलर के स्वेटर पे जाता है जो कि उन्होंने पहना हुआ था, और उनके स्वेटर में जो बटन था वो भी काफ़ी ज़्यादा पेल हो गया था बार बार धोने के कारण। और फिर तभी ऑथर को याद आता है कि वो स्वेटर किसी और ने नहीं बनाया था, बल्कि उनकी मम्मी ने ही बुना था, यानी कि उनकी मम्मी ने ही सिला था और वो स्वेटर को बनाया था। इसलिए वो कंफर्म हो जाती है कि वो गलत एड्रेस पे नहीं आई है, बल्कि बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस पे आई है। ये सब देखने के तुरंत बाद ऑथर उनसे पूछती है कि क्या आप मेरी मम्मी को जानती हो। तो वो रिप्लाई करती है कि क्या तुम लोग अब वापस आ गए हो। तो वो कहती है कि नहीं, बस मैं ही वापस आई हूँ। तभी ऑथर गौर करती है कि उनके घर के अंदर कॉरिडोर में एक दरवाजा खुलता है और बंद होता है, और ये देखने के बाद तुरंत वो लेडी कहती है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, अभी सही वक्त नहीं है।
तो फिर वो ऑथर कहती है कि मैं बहुत दूर से एक स्पेशल ट्रेन से यहाँ बस आपसे बात करने के लिए आई हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते हैं? पर वो औरत यानी कि वो लेडी जो होती है वो आराम से झुकती है, चुपचाप दरवाजे को बंद करती है एकदम धीरे से ताकि अंदर कोई डिस्टर्ब ना हो, और अंदर चली जाती है यानी कि घर के अंदर घुस जाती है बिना उस लड़की से बात किए यानी कि ऑथर से बात किए। गेट क्लोज हो जाता है फिर भी ऑथर वहाँ पे कुछ देर खड़ी रहती है। फिर वो सडनली नोटिस करती है कि बगल के खिड़की से जहाँ पे पर्दा लगा हुआ था वहाँ से उन्हें कोई झांक कर बाहर देख रहा था। फिर वो सोचती है कि हो सकता है अंदर जो कोई भी हो वहाँ पे खड़ा होके ये पूछ रहा होगा कि बाहर कौन आया था, और फिर वो लेडी रिप्लाई की होगी कि नहीं नहीं कोई नहीं था। फिर ऑथर उस घर के बगल में लगी नेम प्लेट को ध्यान से देखती है जिसमें लिखा हुआ था डॉर्लिंग, जो कि ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था वाइट एनामेल के ऊपर, और वो ये भी देखती है कि वहाँ पे नंबर 46 भी लिखा हुआ था। फिर ये देखने के बाद ऑथर यानी कि वो जो बेटी होती है वो वापस स्टेशन की ओर जाने लगती है, और वो बस ये सोच रही थी कि उनकी मम्मी ने जब बहुत दिनों पहले उन्हें ये एड्रेस दिया था। अब ऑथर स्टेशन की ओर बढ़ी चली जा रही है और उन्हें उस वक्त की बात याद आ रही है जब वार का फर्स्ट हाफ चल रहा था और उनके घर में रोज उन्हें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते थे, जैसे कि उनके घर में हमेशा हर रोज कुछ ना कुछ चीज जो थी वो गायब हो जाती हुई दिख रही थी। फिर एक दिन वो अपनी मॉम से पूछती है कि मम्मी मेरे हमारे घर से ये सारे सामान कहाँ जा रहे हैं, तो उनकी मॉम रिप्लाई करती है और बताती है ये लो इनका एड्रेस मिसेस डॉर्लिंग का, ये जो है यही हमारा सारा सामान ले जा रही है और सेफली रख रही है क्योंकि वार का टाइम चल रहा है, ऐसा वो रिप्लाई करके बोलती थी। और यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग कौन थी? मिसेस डॉर्लिंग उनकी मॉम की बहुत पुरानी दोस्त थी या फिर उसी टाइप का बहुत पुराना रिलेशन में कुछ ऐसा कुछ वो थी। अब वो बता रही है कि मिसेस डॉर्लिंग जब भी उनके घर आती थी उनके घर में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखता था उन्हें। मिसेस डॉर्लिंग बहुत ही बड़े बड़े ह्यूज बैग्स लेके आती थी और उनके घर से बहुत सारे प्रीसियस सामान भी उठाकर ले जाती थी। जैसे कि एक बार जब उनके घर में वो आई तो उनके घर से सारे सिल्वर्स का सारा सामान ले गई थी। फिर एक बार जब वो उनके घर आई तो उनके घर से सारा एंटिक प्लेट्स जो कि उनके घर में लगा रहता था वो सारा लेके चली गई। अब ऑथर की मॉम कहती है कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था मिसेस डॉर्लिंग से कि वो उनके घर का सारा सामान ले जाए, बल्कि मिसेस डॉर्लिंग ने खुद उन्हें इंसिस्ट किया था कि वो अपने घर का सारा सामान उन्हें दे दे ताकि उनका घर में सारा सामान सेफ रहे, क्योंकि वो लोग जो थी उनके मॉम और उनकी डॉटर वो लोग कभी भी हॉलैंड छोड़ के जा सकते थे वार के दौरान, इसलिए मिसेस डॉर्लिंग उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, ऐसा उनका इंटेंशन था उस टाइम, इसलिए उनकी मॉम ने उन्हें ऐसा करने का परमिशन दिया था। फिर भी उनकी डॉटर उनसे पूछती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आप उन्हें ऐसा परमिशन कैसे दे सकती हो। उनकी मदर रोते हुए यानी कि रोते टाइप में बोलती है कि ये उनका इंसल्ट हो जाता अगर मैं उन्हें मना करती तो, वैसे भी वो हमारा हेल्प करना चाहती है और इस वार के टाइम में वो इतने बड़े बड़े सूटकेस लेके हमारे घर से अपने घर जा रही है और वो कितना रिस्क ले रही है, और अगर मैं उन्हें डायरेक्ट मना कर देती तो ये उनकी बेइज्जती हो जाती, इंसल्ट हो जाती, इसलिए उन्होंने उन्हें परमिशन दे दिया कि उनके घर का सारा सामान वो ले जाए धीरे धीरे करके और अपने घर में शिफ्ट कर ले ताकि वार के बाद वो लोग जब वापस आए तो उन्हें वापस रिटर्न कर सके। यही सब सोचते सोचते ऑथर स्टेशन तक पहुंच जाती है और वो ये बताती है कि वो जब स्टेशन तक पहुंच रही थी तो वो आसपास की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि वो जगह वही जगह था जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, उनका मेमोरेबल पीरियड बिता था, जहाँ पे वो पहले रहती थी, और वो वापस उन सब चीज़ों को याद करके खुद को सैड फील नहीं कराना चाहती थी, और क्योंकि पुराने बातों को अगर कोई याद करता है पुराने इमोशनल बातों को तो ऑफकोर्स सी बात है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इमोशनल फील करने लगता है, सैड फील करने लगता है, क्योंकि अब उनके पास वो पल वापस तो आने वाला है नहीं। तो इसलिए ऑथर भी यही बता रही है कि वो आसपास की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि वहीं पे उनका बचपन गुजरा था और वो उस सब बातों को वापस याद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वही स्ट्रीट और वही हाउसेस देखकर जहाँ पे वो बचपन में रहती थी वो वापस से वही चीज़ देखती तो वो काफ़ी सैड हो जाती। इसलिए अब ऑथर फिर से अपनी पुराने दिनों को याद करती है और वो बताती है जब वो मिसेस डॉर्लिंग से पहली बार मिली थी तो उस समय जब वो पहली बार मिली थी तो उस दिन वो थोड़ा लेट से उठी थी और वो नीचे आ रही थी, सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, और उन्होंने देखा था कि उनकी मॉम मिसेस डॉर्लिंग से बात कर रही है।
उनकी मॉम ने ही अपनी बेटी को मिसेस डॉलिंग से इंट्रोड्यूस कराया था और मिसेस डॉलिंग को अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस कराया था। और उस दिन मिसेस डॉलिंग जो है बड़ा सा सूटकेस पकड़े हुए, जिनका बैग थोड़ा ब्रॉड था, यहाँ पे ऑथर बता रही है कि मिसेस डॉलिंग का बैग थोड़ा ब्रॉड था, वो सूटकेस पकड़े हुए बाहर की ओर जा रही थी। मिसेस डॉलिंग उसकी बेटी को यानी कि ऑथर को वेव करती है और उसके बाद बाहर चली जाती है। फिर ऑथर बता रही है कि जब वो मिसेस डॉलिंग से सेकेंड बार मिली थी तो मिसेस डॉलिंग ट्रेन में थी और उनके जस्ट आगे बैठी हुई थी। यहाँ पे ऑथर ये भी बता रही है कि जब वो मिसेस डॉलिंग से दूसरी बार मिली थी तो उस समय उन्होंने ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक सेपलेस हैट पहना हुआ था, एक हैट यानी कि टोपी जिसका कोई सेप नहीं था। फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या मिसेस डॉलिंग यहाँ से दूर रहती है, क्योंकि अगर वो यहाँ से बहुत दूर रहती होगी तो इतना जो भारी वो सूटकेस ले जा रही है, उन्हें उसे पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता होगा और काफ़ी स्ट्रगल भी होता होगा। ये सुनकर ऑथर की मॉम ऑथर को उनका यानी कि मिसेस डॉलिंग का एड्रेस दे देती है, और वो एड्रेस क्या होता है, इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। और ऑथर को ये भी कहती है कि उनका एड्रेस हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे ऑथर ये भी बता रही है कि वार खत्म हो गया था हॉलैंड में, बट उसके कई सालों बाद भी वो वहाँ पे नहीं गई, यानी कि अपने सामान को लेने वापस नहीं गई, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर वो उन सामानों को वापस देखेगी, उन सब मेमोरेबल थिंग्स को वापस देखेगी, तो उन्हें पुरानी यादें याद आ जाएगी जो उन्हें बार बार दुखी कर देगी। इसलिए वो डरती थी वापस जाके अपने सामान को लेने के लिए, और वो ये भी सोचती होगी कि वो सामान आराम से सेफली कहीं किसी कबर्ड में पड़ा हुआ होगा, किसी बॉक्स में रखा हुआ होगा, तो उन्हें वो सब सामान वापस जाके लेने की क्या ज़रूरत है। अब हम वापस नॉर्मल डे में आते हैं। जब ऑथर का मिसेस डॉलिंग के घर में पहला विजिट फेल हो गया, उसके कुछ दिन बाद फिर से एक नया दिन आया, एक नॉर्मल दिन आया, जहाँ पे जिस दिन वो सोचने लगी, क्यूरियस होने लगी अपने सामान को लेकर। वो ये सोचने लगी कि क्या उस समय जो उनकी मॉम ने वो सारे सामान उन्हें दी थी, वो क्या अभी तक वहाँ पे उनके पास सेफली रखा हुआ है, और अगर नहीं भी रखा हुआ या फिर रखा हुआ है तो किस हालत में है, कैसा है, वो ये सब जानना चाहती थी। इसलिए वो फिर से एक बार सोची कि मैं फिर से जाके उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ और ये जानने की कोशिश करती हूँ कि हमारा सामान अभी उनके पास कैसा है। पर इस बार जब ऑथर उनके घर जाती है, डोर को नॉक करती है, यानी कि मिसेस डॉलिंग के घर जाके डोर को नॉक करती है, तो अंदर से एक 15 साल की छोटी बच्ची निकलती है। तो ऑथर पूछती है कि क्या आपकी मम्मा घर पे हैं, यानी कि मिसेस डॉलिंग के आपके घर में हैं? तो वो कहती है कि नहीं, मम्मा अभी कुछ देर के लिए बाहर गई हुई है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ देर वेट कर सकती हूँ। अब वो लड़की जब ऑथर को अपने लिविंग रूम तक ले जा रही थी, तभी जब ऑथर उस लड़की का पीछा कर रही थी यानी कि फॉलो कर रही थी, तभी उनका ध्यान एक ओल्ड फैशनड आयरन हनुक पे जाता है। ये क्या था, ये एक कैंडल होल्डर था जो कि मिरर के पास टांगा हुआ था। फिर उन्हें याद आता है कि ये कैंडल होल्डर किसी और का नहीं बल्कि उनका ही सामान है। ऑथर ये भी कहती है कि वो उस कैंडल होल्डर्स को कभी यूज़ नहीं करती थी, यानी कि कैंडल होल्डर को यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि ये काफ़ी बर्डन वाला काम होता था और काफ़ी सारे कैंडल्स का वेस्टेज हो जाता था, इससे बढ़िया वो एक सिंगल कैंडल ही जला लेती थी। अब वो छोटी बच्ची यानी कि वो जो 15 साल की बच्ची है, वो लिविंग रूम का गेट खोलती है और ऑथर को कहती है कि क्या आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठ सकती हैं। तो ऑथर तुरंत मतलब लिविंग रूम के अंदर घुसती है और फिर अचानक से वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है, हॉरिफाइड हो जाती है, एक जगह थम सी जाती है, रुक सी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑथर को वो जगह बहुत ही अजीब लग रहा था। अब ऐसा क्यों उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उस रूम में ज़्यादातर चीज़ें उनकी ही रखी हुई थी, और उन्हें इस बात के लिए भी अजीब लग रहा था क्योंकि उनका सामान जो वहाँ पे रखा हुआ था वो काफ़ी रेस्टलेस मैनर में था, मतलब जैसे तैसे रख दिया गया था। उनका जो एंटिक्स था उसे बस फालतू वे में, मतलब कहीं पे भी गिरा पड़ा ऐसे छोड़ दिया गया था, और उनके एंटिक्स को पुराने फर्नीचर्स और फालतू सामान के बीच रखा गया था। उस रूम के फर्नीचर से काफ़ी गंदे स्मेल भी आ रहे थे। उसके बाद वो जो छोटी सी लड़की होती है वो ऑथर को बैठने के लिए चेयर देती है टेबल के बगल में। फिर ध्यान से ऑथर उस टेबल क्लॉथ को देखती है, उसे हाथों में रब करती है फिंगर के बिटवीन, और फिर वो मतलब ये देख के चौंक जाती है कि वो जो टेबल क्लॉथ है वो भी उनका ही है, यानी कि उन्हीं का है, उनकी मॉम का है। फिर ऑथर कहती है ये जो टेबल में लगे हुए ये जो टेबल क्लॉथ है, इसमें जो लाइंस बना हुआ है, अगर इस लाइन को हम फॉलो करेंगे तो हम एक एज के पास पहुंचेंगे जहां पे एक बर्न मार्क होगा जो उनके वजह से बचपन में लग गया था। और वो कहती है कि उन्हें अभी भी यकीन है कि इन्होंने अभी तक उस बर्न मार्क को रिपेयर नहीं कराया होगा।
फिर वो लड़की ऑथर से कहती है कि आप यहीं रुकिए, मेरी मॉम जल्द ही आती होगी, तब तक मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। वो लड़की जाती है और टेबल में रखे टी पॉट से टी को ढाल रही होती है, तब ऑथर नोटिस करती है कि वो लड़की का बैग भी उसकी मम्मी के तरह ही ब्रॉड है, और वो ये भी नोटिस करती है कि वो जो टी कप से वो जो टी डाल रही थी, वो जो टी कप था वाइट कलर का जिसमें गोल्डन बॉर्डर भी था, वो भी उनकी मॉम के कुछ चीज़ों में से एक था। फिर ऑथर के अंदर से एक वॉइस आता है और वो कहती है कि ये बहुत ही सुंदर बॉक्स है। फिर उन्हें खुद में अजीब लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो कह रही है कि उन्हें उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम में हर चीज़ अजीब ही लग रहा था। फिर वो एक दीवार की ओर देखती है, वॉल की ओर देखती है और कहती है कि वो जो प्लेट्स टंगे हुए हैं वो कितने एंटीक है, वो उस लड़की से कह रही ऑथर। तो फिर वो लड़की रिप्लाई करती है हंसते हुए कि हाँ हाँ, मेरी मॉम कहती है कि हमारे घर में ऐसे बहुत सारे और भी एंटीक चीज़ हैं और वो जो प्लेट जो दीवार पे लगा हुआ है वो भी उसमें से एक है। फिर वो छोटी सी लड़की चारों तरफ पॉइंट करती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एंटीक है, फिर ये एंटीक है, ये सामान भी ऐसा है। तो फिर ऑथर यहाँ पे बता रही है कि उन्हें उस लड़की की हाथों की गाइड की ज़रूरत नहीं थी, मतलब ऑथर खुद से देख के जान जा रही थी कि ये सब चीज़ एंटीक है और ये सब चीज़ उन्हीं का है जो उनकी मॉम का पहले हुआ करता था। फिर ऑथर टेबल पर रखे हुए एक सुंदर से प्लेट को देखती है और उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब वो छोटी थी और उस प्लेट के ऊपर हमेशा एक एप्पल रखती थी उस प्लेट को सजाने के लिए। फिर वो छोटी सी जो बच्ची होती है वो उस समय रिप्लाई करती है और कहती है कि हम यहाँ पे हर चीज़ रखी हुई, मतलब यहाँ पे रखी हुई हर चीज़ को हम यूज़ कर चुके हैं, और वो जो एंटीक प्लेट्स है जो कि वॉल में टंगा हुआ है, दीवार में टंगा हुआ है, उसमें भी हम एक बार खाना खा चुके हैं। वो दिन कोई स्पेशल दिन नहीं था जिस दिन हमने उस पे खाना खाया था, वो प्लेट भी दूसरे प्लेट के तरह ही नॉर्मल है, बट वो वहाँ पे बस टंगा रहता है। और उस दिन हमने इस प्लेट में, उस एंटीक प्लेट में खाना इसलिए खाया था क्योंकि उस दिन मेरा बहुत मन कर रहा था। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ऑथर को वो बर्न मार्क मिल जाता है। कौन सा बर्न मार्क? जो कि ऑथर थोड़ा देर पहले उस टेबल क्लॉथ के ऊपर ढूंढ रही थी उस लाइंस को फॉलो करते हुए, तो ऑथर को उस समय वो बर्न मार्क मिल जाता है। पर जब वो टेबल क्लॉथ को रब कर रही थी ऑथर, तो वो जो लड़की थी 15 साल की बच्ची, वो ऑथर को बहुत ही क्वेश्चनली घूर रही थी, जैसे कि वो जानने की ये कोशिश कर रही हो कि ये लड़की यहाँ करने क्या आई है, बस आधा घंटा से हमारे घर के अंदर रखे हुए हर चीज़ को घूरे जा रही है। ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। फिर ऑथर उस लड़की से पूछती है कि तुम ये सब जो प्यारे प्यारे चीज़ों को देख रही हो, अब तो तुम्हारा इस पर ध्यान भी नहीं जाता होगा क्योंकि तुम्हें आदत सी हो गई होगी इन चीज़ों के साथ रहने में। पर वो कहती है फिर ऑथर कि अगर कोई इंसान इन सब चीज़ों को खो दे या इन सब चीज़ों से बहुत दिन बाद दूर रहे, तो उस इंसान को ये सब चीज़ जब अचानक से दिखती है तो इन सब चीज़ों से जुड़ी जो यादें होती है वो सब याद आने लगती है और इन सब चीज़ों की अहमियत पता चलने लगती है, या फिर अगर कोई किसी का सामान टूट जाए तब उस सामान की अहमियत पता चलती है। ऑथर खुद में कह रही है कि उस समय जब ऑथर ऐसा कह रही थी तो उन्हें खुद में अजीब फील हुआ कि वो ऐसा क्यों कह रही है। फिर ऑथर कंटिन्यू करती है और कहती है, मतलब उस लड़की को बताती है कि एक बार, बहुत पुरानी बात है, जब मेरी माँ ने मुझे सिल्वर पॉलिश करने के लिए नीचे बुलाया था, और उस दिन मैं शायद बहुत ही लेज़ी फील कर रही थी या फिर बोर फील कर रही थी, इसलिए माँ ने मुझे इस काम के लिए बुलाया था। इसलिए मैंने अपनी माँ से पूछा कि मॉम आप कौन से सिल्वर कर रही हो। ऑथर की मॉम उस समय उनको बहुत ही सरप्राइजिंगली रिप्लाई करती है और कहती है, हमारे टेबल में जो स्पून है, फॉक है और वो जो नाइफ है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। फिर ऑथर उस टाइम सरप्राइज हो जाती है और खुद में कहती है कि उन्हें खुद बचपन से ये नहीं पता था कि जो कटलरी वो बचपन से यूज कर रही है नॉर्मल खाने के लिए, वो एक्चुअली सिल्वर के बने हुए हैं। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है। कौन लड़की? वो 15 साल की लड़की। फिर ऑथर कहती है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा। वो लड़की कहती है, क्या आप उस हम जिस पे खाना खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं? तो ऑथर कहती है कि हाँ, वो भी सिल्वर के बने हुए हैं। ये सुनकर वो लड़की तुरंत जाती है, वो छोटी बच्ची तुरंत जाती है, 15 साल की बच्ची वो तुरंत जाती है और ड्रॉवर को खोलती है और अपने कटलरीज को ध्यान से देखने लगती है। उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ऑथर को याद आता है कि उन्हें एक बस कैच करनी है, उन्हें एक ट्रेन कैच करनी है, तो वो तुरंत वहाँ से उठती है और जाने लगती है। ये देखकर वो 15 साल की लड़की ऑथर से कहती है कि क्या आप मेरी मदर के लिए और थोड़ा वेट नहीं करेंगे? ऑथर रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ और मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ।
और वो उसी पैसेज से जहाँ से वो ऑथर आई थी उसी पैसेज से होते हुए वापस निकलने लगती है। तो वो लड़की भी कहती है कि ठीक है तो मैं अपने आप ही उस कटलरी को देख लूँगी। फिर ऑथर कहती है ठीक है तो मैं भी अपने आप ही ये घर से मतलब चली जाऊँगी, बाहर निकल जाऊँगी। और जैसे ही वो पैसे से निकल रही होती है ऑथर, तभी उन्हें कुछ स्पून्स के गिरने की आवाज़ या सॉरी टकराने की आवाज़ आती है, जो कि वो लड़की अंदर देख रही होती है, वो जो सिल्वर के स्पून्स को वो देख रही होती है उसकी टकराने की आवाज़ ऑथर को आती है। फिर ऑथर बस वहाँ से निकल जाती है। फिर ऑथर जैसे ही उस घर से निकलती है तो उन ऑथर का ध्यान वापस से उस नेम प्लेट में जाता है जो घर के बाहर लगा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46। वो कहती है वो एड्रेस बिल्कुल सही था, करेक्ट था, पर अब वो उस एड्रेस को भूल जाना चाहती है, बिल्कुल भी याद रखना नहीं चाहती है। ऑथर इसलिए कहती है क्योंकि अगर वो वहाँ उस एड्रेस को याद रखेगी तो उन्हें एक मेमोरी मिलेगी और उन्हें उन सब सारी चीज़ों के बारे में याद आएगी और वो चाहेगी कि वो उन सभी चीज़ों को वापस पा सके, क्योंकि वो सारे चीज़ उनके बचपन से कनेक्टेड है, उनके पास्ट मेमोरीज से कनेक्टेड है, और इसलिए वो चाहती है कि वो पूरे एड्रेस को पूरी तरह से भूल जाए। ऑथर ये भी कहती है कि अब वो स्मॉल रेंटेड हाउस में रहती है जहाँ पे इतना जगह भी नहीं है कि वो उतने सारे सामान को वापस से स्टोर कर सके। ऑथर ये भी बताती है कि उनके जो रेंटेड हाउस है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे ड्रॉवर्स हैं और बहुत ही कम स्पेस है जहाँ पे वो कुछ कटलरीज को ही रख सकती है कि जो टेबल है नैरो टेबल है उसके ऊपर। और वो फाइनली अपने आप से कहती है कि अब वो इस एड्रेस को पूरी तरह से भूल जाएगी और वापस यहाँ पे कभी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म होता है, यानी कि हमारी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। और यार मेरे हिसाब से तो ये तुम लोगों की इंग्लिश बुक का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ खास याद रखने के लिए है ही नहीं। जाते जाते ये बताना कि तुम लोगों को वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।